दोस्तों घर हो या फिर कोई इंडस्ट्री, ईएलसीबी बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए। इस क्रम में आज हम जानने वाले हैं कि ईएलसीबी का काम क्या होता है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यह अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट में होने वाली अर्थ लीकेज से यह हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि किसी को क्षति नहीं होती है। शुरुआत के समय ईएलसीबी एक वोल्टेज डिटेक्शन डिवाइस हुआ करते थे, लेकिन अब ईएलसीबी को अपडेट करके करंट सेंसिंग डिवाइस बना दिया गया है और इसका नाम आरसीसीबी या फिर आरसीडी रख दिया गया है। जबकि वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस ईएलसीबी को अभी भी ईएलसीबी के नाम से जाना जाता है। आरसीसीबी को हम अपने आने वाले वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अर्थ लीकेज क्या होता है। वह इलेक्ट्रिकल करंट जो अनइंटेंडेड यानी कि अनचाहे पाथ से लाइन कंडक्टर से अर्थ में फ्लो करता है, तो उस करंट को अर्थ लीकेज कहते हैं। जैसे पुअर इंसुलेशन की वजह से करंट किसी इलेक्ट्रिकल बॉडी में से होकर फ्लो करने लगे और इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, तो यह करंट अर्थ लीकेज कहलाएगा। ईएलसीबी यानी कि जिसको अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, यह एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है जो लीकेज करंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। जब सर्किट में कोई लीकेज करंट सेंस करता है तो यह सर्किट को ब्रेक कर देता है और पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। ईएलसीबी को मेनली इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। इस सर्किट में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए ईएलसीबी के सीरीज में एमसीबी लगाना जरूरी होता है। ईएलसीबी को वोल्टेज ईएलसीबी भी बोलते हैं। यह अर्थ और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बीच वोल्टेज लेवल पर काम करता है। इसमें वोल्टेज डिफरेंस का उपयोग लीकेज करंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और लीकेज करंट के कारण सर्किट को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। इसमें सप्लाई और लोड दोनों साइड दो दो टर्मिनल होते हैं, फेज और न्यूट्रल से जुड़े होते हैं। इसके अलावा भी इसमें दो टर्मिनल होते हैं, जिसमें से एक टर्मिनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी से कनेक्ट होता है और दूसरा टर्मिनल अर्थ से। ये दोनों टर्मिनल ईएलसीबी के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से कनेक्ट होते हैं, जो लीकेज करंट के दौरान सर्किट को ब्रेक करने का मेन रोल प्ले करता है। यानी कि जब सर्किट में लीकेज करंट डिटेक्ट होता है, तब यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले उस लीकेज करंट को डिटेक्ट करता है और सर्किट को ब्रेक करने का भी काम करता है। अब ईएलसीबी के वर्किंग प्रिंसिपल को समझें तो ईएलसीबी के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगी होती है, वह इक्विपमेंट के बॉडी और अर्थ के बीच वोल्टेज डिफरेंस को सेंस करती है। जब लाइव वायर यानी कि न्यूट्रल या फिर फेज टर्मिनल यदि टूट जाता है या फिर इसका इंसुलेशन निकल जाता है और यह लाइव वायर इक्विपमेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो उस समय रिले कॉइल के टर्मिनल पर वोल्टेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण रिले कॉइल में से करंट फ्लो करने लगता है, जिसके कारण रिले कॉइल एनर्जाइज हो जाती है और यह कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाने लगेगी। और जब यह करंट एक यूनिट लिमिट से अधिक हो जाएगा तो यह कॉइल पर्याप्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करने लगेगी, जिससे यह फोर्स लैच को खींच लेगा, जिससे लैच सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिससे इक्विपमेंट की पावर सप्लाई बंद हो जाएगी और इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ईएलसीबी में अर्थ कनेक्शन बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि रिले कॉइल तभी ऑपरेट होती है जब इसके अंदर से लीकेज करंट फ्लो करता है। अगर लीकेज करंट कनेक्टेड इक्विपमेंट की बॉडी में से ना फ्लो होकर कहीं और जगह से हो, जहां पर ग्राउंड वायर नहीं जुड़ा हुआ है या फिर कोई व्यक्ति न्यूट्रल या फिर फेज वायर के संपर्क में आ जाता है, तो भी ईएलसीबी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ईएलसीबी तभी ब्रेक करता है जब लीकेज करंट इसके अर्थ टर्मिनल से होकर फ्लो करता है। ईएलसीबी के फायदे कम हैं, लेकिन इसके नुकसान अधिक हैं। इसके फायदे की बात करें तो ईएलसीबी इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली के झटके से बचाता है। यह कम सेंसिटिव होते हैं और अनावश्यक रूप से ट्रिप नहीं होते हैं। यह कम महंगे होते हैं। अब ईएलसीबी की खामियों की बात करें तो यह फेज से किसी अन्य अर्थ बॉडी में करंट लीकेज सेंस नहीं कर सकता है। डायरेक्टली लाइव वायर को टच करने पर यह सेंस नहीं करता है और सुरक्षा नहीं देते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा अर्थ वायर की आवश्यकता होती है। यह कम सेंसिटिव होते हैं, जिससे कम लीकेज करंट सेंस नहीं कर सकते हैं।
वह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो नॉर्मली वोल्टेज लीक करता है उसमें यह ELCB अनावश्यक रूप से बार बार ट्रिप करेगी।